अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत के केस में आज प्रवर्तन निदेशालय रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगा। ईडी ने पहले ही समन जारी किया था। रिया को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई सवालों का सामना करना पड़ सकता है। सीबीआई ने सुशांत मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीबीआई के एफआईआर में समेत रिया समेत 6 नाम शामिल। इनके खिलाफ सुशांत सिंह के पिता ने पटना में एफआईआर दर्ज करवाई थी। कल ईडी ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की। मुंबई में सुशांत केस की जांच पर कर रही बिहार पुलिस की टीम पटना लौटी, लेकिन पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी अब भी मुंबई के एसआरपीएफ गेस्ट हाउस में क्वारंटीन। बिहार के डीजीपी ने कहा कानूनी विकल्प पर विचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई शिक्षा नीति पर अपने विचार रखेंगे। शिक्षा मंत्रालय के कॉन्क्लेव में नई शिक्षा नीति, भविष्य की शिक्षा, रिसर्च जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। काशी और मथुरा पर पुजारियों के संगठन की ओर से दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सार्वजनिक आराधना स्थल कानून 1991 के खिलाफ याचिका दाखिल। जमीयत उलेमाए हिंद और पीस पार्टी ने भी खुद को पक्षकार बनाने की मांग की। कोरोना काल में अलग होगा इस बार का स्वतंत्रता दिवस समारोह। सिर्फ 1500 अतिथि ही होंगे मौजूद। कोरोना वॉरियर्स और कोविड फाइटर्स को समारोह में प्रमुखता मिलेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा। एनसीसी से जुड़े 500 छात्र ही शामिल होंगे। श्रीलंका के चुनाव में महिंदा राजापक्षे की श्रीलंका पीपल्स पार्टी की 2/3 से जीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन कर राजापक्षे को जीत के बधाई दी। दोनों देशों के बीच संबंधों को और बेहतर बनाने को लेकर बात हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा आज जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल पद की शपथ लेंगे। नई जिम्मेदारी को संभालने मनोज सिन्हा श्रीनगर के राजभवन पहुंचे। समारोह में बीजेपी की कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा राम मंदिर धर्म नहीं संस्कृति से जुड़ा है। राम के बिना भारत की संस्कृति की कल्पना नामुमकिन। समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा बीजेपी ने ताकत के दम पर राम मंदिर का फैसला अपने हक में करवाया। कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच समझौते को लेकर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 2008 में हुए समझौते को लेकर सोनिया राहुल गांधी भी पक्षकार। याचिका में समझौते को संदिग्ध बताया गया। भारत चीन विवाद पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। राहुल गांधी का ट्वीट चीन के हमारे इलाके में होने की बात नकारने और वेबसाइट से दस्तावेज हटा लेने से सच नहीं बदलेगा। चीन ने परमाणु हमला करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। DF-26 मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम है। रेंज करीब 4500 किलोमीटर। अमेरिका का ग्वाम नेवल बेस भी जद में है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का अहम बयान, कश्मीर में आतंकियों के पास अब हथियार नहीं बचे। पाकिस्तान ड्रोन से हथियार पहुंचाने की फिराक में, कश्मीर में अब 200 से भी कम आतंकी मौजूद। राम मंदिर भूमि पूजन पर पाकिस्तान की टिप्पणी पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। आतंक में लिप्त पाकिस्तान भारत के आंतरिक मामलों में दखल न दे। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने राम मंदिर भूमि पूजन पर मोदी सरकार को सांप्रदायिक कहा था। कुलभूषण जाधव मामले में राजनयिक मदद के लिए तैयार हुआ पाकिस्तान। कहा कुलभूषण को बिना बाधा काउंसलर एक्सेस दिया जाएगा। भारत अपनी पसंद का वकील चुन सकेगा। 3 सितंबर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, लेकिन विदेश मंत्रालय को प्रस्ताव नहीं। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया। चीन से लगी एलएसी पर सेना की तैयारियों की समीक्षा की। सैन्य अधिकारियों के साथ अहम मुलाकात भी हुई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की ओर से चीन के कश्मीर मुद्दा उठाने पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया। कहा चीन ने देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे। 370 हटाए जाने के 1 साल पूरे होने के मौके पर पाकिस्तान ने की थी अपील। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बीजेपी नेता सज्जाद अहमद खांडे की हत्या। शरणार्थी कैंप से घर जाते वक्त आतंकियों ने गोली मारी। जम्मू कश्मीर में पिछले 48 घंटे में बीजेपी नेताओं पर दूसरा हमला। पश्चिम बंगाल के भाटपारा में बीजेपी दफ्तर पर हमला। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बम फेंकने के आरोप। बीजेपी के 4 कार्यकर्ता घायल हुए। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। सीसीटीवी फुटेज देखकर आरोपियों की पहचान की जा रही है। बिहार में बाढ़ का असर बढ़ा। अब 16 जिले प्रभावित। राज्य के 12 जिलों में बाढ़ का पानी घुसा। कुदरती आपदा से अब तक 21 लोगों की मौत हुई। राहत कार्य में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 टीमें लगी। बिहार के खगड़िया जिले में बूढ़ी गंडक नदी उफान पर खतरे के निशान से ऊपर। 12 घंटे की कोशिश से बांध का कटाव रुका। बांध टूटा तो कई गांव के लोग प्रभावित होंगे। फिलहाल खतरा टला।
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बाढ़ पीड़ितों ने पुलिस पर हमला किया। थानेदार समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। 12 आरोपी गिरफ्तार किए गए। NH-28 को जाम कर बाढ़ राहत सामग्री की मांग कर रहे थे लोग। बातचीत के दौरान कुछ लोग हिंसक हुए। बिहार के छपरा में बांध टूटने से कई गांवों में बाढ़ का पानी भरा। पीने के पानी की किल्लत हुई। रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। सड़क पर 5 फीट पानी जमा है। सैकड़ों ग्रामीण बेहाल हुए। मुंबई में मरीन लाइन और चर्च रोड के बीच तेज हवाओं और बारिश की वजह से रेल पटरी के किनारे खड़ा एक पेड़ बिजली की तारों पर गिर गया। इससे पेड़ में आग लग गई। इलेक्ट्रिक इंजन के लिए लगे हाई टेंशन वायर के चपेट में आने से पेड़ जल गया। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच बातचीत हुई। ट्विटर पर लिखा, कोरोना को हराने के लिए भारत का साथ जारी। अफगानिस्तान में शांति को बढ़ाने के लिए भी एकजुट। कोरोना से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त जारी की। इसके साथ ही 890 करोड़ से अधिक का पैकेज जारी हुआ। इससे पहले केंद्र ने मार्च में 3000 करोड़ की पहली किस्त दी थी। दिल्ली में होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खोलने के पक्ष में केजरीवाल सरकार। उपराज्यपाल को दोबारा प्रस्ताव वाली फाइल भेजी। लिखा, कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार फैसला करने का हमें हक है। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 1299 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित। 1008 लोग इलाज के बाद रिकवर हुए। इसी दौरान 15 लोगों की मौत। मरीजों का रिकवरी रेट 89.82% पर पहुंचा। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े। पिछले 8 दिन में हर दिन संक्रमण के 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 56,282 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए और 904 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,514 नए केस सामने आए। इसी दौरान महाराष्ट्र में कोरोना से 316 मौतें हुई। कल राज्य में 10,845 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 910 नए मामले सामने आए। इसी दौरान मुंबई में कोरोना से 57 मौतें हुई। धारावी में सिर्फ एक दिन में 8 केस सामने आए। ठाणे में कल कोरोना से 258 केस मिले। बीती रात राजस्थान में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.1 दर्ज की गई। राजधानी जयपुर से 82 किलोमीटर उत्तर भूकंप का केंद्र। दिल्ली के पश्चिम बिहार में 12 साल से दरिंदगी का आरोपी गिरफ्तार। मंगोलपुरी में रहने वाले आरोपी कृष्णा पर पहले से 4 आपराधिक मामले। पुलिस की 20 टीम ने 100 CCTV तस्वीरों की जांच की। 4 अगस्त को हुई थी वारदात। आज से शुरू होगी देश की पहली किसान ट्रेन। रेल मंत्री पीयूष गोयल दिखाएंगे हरी झंडी। महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलेगी ट्रेन। फल और सब्जी के साथ 32 घंटे में पूरा होगा सफर। लखनऊ से 9 अंतर्राज्यीय जालसाज गिरफ्तार। नकली कॉल सेंटर से पेंशन धारकों को बनाते थे निशाना। झारखंड के शहरों में कॉल कर लोगों को ठगते थे। फर्जी बैंक अकाउंट और ई वॉलेट का भी भंडाफोड़। 3 लाख रुपए के साथ 7 मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद। उत्तर प्रदेश के बागपत में फायरिंग का वीडियो वायरल। शराब के नशे में एक के बाद एक की गई फायरिंग। युवकों ने पुलिस वीडियो की जांच में जुटी। आरोपियों की पहचान नहीं हुई है। यूपी के मिर्जापुर में पुलिस टीम पर हमला। विंध्याचल मंदिर में मारपीट के आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस। हमले में दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के बागपत में नशे के धंधे पर स्थानीय लोगों के सवाल। कुछ लोग पलायन करने को मजबूर। पुलिस पर भी मिलक भगत का आरोप लगाया गया। इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 2 युवकों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अपहरण के बाद की गई थी मारपीट। पुलिस वीडियो की जांच कर रही है। अभी आरोपियों का पता नहीं चला है। ग्रेटर नोएडा की एक दुकान में आग से दहशत फैल गई। होम अप्लायंस की दुकान में आग लग गई। लाखों रुपयों का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के बिजनौर में प्लंबर की दुकान में चोरी की तस्वीरें CCTV में रिकॉर्ड हुई। तिजोरी में रखे रुपए निकालकर चोर भागे। आरोपियों की फिलहाल तलाश जारी है। हरियाणा के पानीपत में सिंगर विकास कुमार की फेक आईडी बनाकर रुपए मांगने वाले शातिर बदमाश पकड़े गए। जाल बिछा पकड़ पुलिस ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के खदानों में हीरे मिल रहे हैं। एक मजदूर को एक साथ 3 टुकड़े हीरे मिले। खदान से मिले हीरे को दफ्तर में जमा करवाया गया। कुछ दिन पहले भी बेशकीमती हीरा मिला था। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का युवक अयान खान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एक सिनेमा में रोल मिला। बॉलीवुड में काम करने का सपना पूरा हुआ।
जम्मू कश्मीर के त्राल में नया इंडोर खेल स्टेडियम का निर्माण जोरों पर। पुलवामा जिले के युवाओं और खिलाड़ियों को इससे खासी सहूलियत होगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से पहल की गई। मध्य प्रदेश के मंडला में आजकल हाथियों की पिकनिक चल रही है। कान्हा नेशनल पार्क के एक रेंज ने 7 दिनों के लिए हाथियों का कैंप लगाया है। इस कैंप में आए हाथी वन कर्मियों से अपनी सेवा करवा रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन में टाइटल स्पॉन्सर वीवो नहीं होगा। बीसीसीआई और वीवो ने इस सीजन के लिए करार खत्म किया। भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण रिश्ते के चलते ये फैसला तय माना जा रहा था। चीन की कंपनी है वीवो। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए हादसे के बाद रूस ने बढ़ाया मदद का हाथ। रूस ने बेरूत में अस्थायी अस्पताल बनाया। चिली में कुछ लोगों ने 14 ट्रकों के साथ एक कंपनी के दफ्तर में आग लगा दी। पुलिस ने 50 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। जानकारी के मुताबिक लोगों का कंपनी से विवाद था। तुर्की के बुसरा में सड़क हादसे का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। आखिरी वक्त में वैन के सामने कूदा युवक। वैन के ड्राइवर ने नियंत्रण खोया। युवक को मामूली चोट आई।